पंजाबी में डोडे भी कहते हैं, ये ऐसे होते हैं, साबत होते हैं। अब इसका सीजन गुजर रहा है, लेकिन मैंने कहा आखिरी बार थोड़ा सा मैं इसका पुलाव बना लूँ, इसकी दानियाँ बहुत सख्त हो गए हैं, तो इसका मैं आज पुलाव बना रही हूँ। इसको मैंने ऐसे छील के, ये साबत ऐसे होते हैं, इसको जब ये उतारते हैं इसका छिलका, देखिए ये इसका छिलका है, अंदर से ऐसे दाने निकलते हैं, ये कच्चे होते हैं। ये इसका मैं आज पुलाव बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं ये होले आलू का पुलाव बना रही हूँ। ये कच्चे चने होते हैं जो इन दिनों इस मौसम में आते हैं, उसको मैंने छील के और उसको मैंने उबाल लिया है। आजकल बड़े सख्त आ रहे हैं, इसलिए कि अभी इसका सीज़न जा रहा है। देखिए ये ऐसे होते हैं, ये हमारे वही सफ़ेद छोले होते हैं, लेकिन वो पक के आते हैं और ये कच्चे होते हैं, हम लोग भून के भी खाते हैं अक्सर इसको। उसको मैंने गला लिया है, ये मैंने आधा पाव, एक पाव था, इसको मैंने छील लिया तो इतना रह गया है। ये होले मैंने उबाले हैं। ये टमाटर हैं, एक पाव टमाटर, ये एक पाव होले हैं, ये छीलने के बाद इतने रह गए हैं। हरी मिर्च अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, आलू, ये 1.5 पाव आलू, 300 ग्राम आलू थे। ये चिकन पाउडर है, अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप वो चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप हड्डियों का सूप भी निकाल के डाल सकते हैं, इससे ज़रा जायका अच्छा आता है। अब मैं मसाले बना रही हूँ। अब इसमें मैंने ताज़ा लहसुन कूट लिया था 4 जवे, ये वो लहसुन है, थोड़ा सा पानी उसमें मैं डाल के इसमें डाल दूंगी। ये एक बाउल में मैंने पानी डाला है, सो मैं थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालूंगी 1 टीस्पून। वो हरी मिर्चें जो है ना, वो इतनी कड़वी नहीं है। नमक हसब जायका है, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, और ये चिकन पाउडर मैं इसमें मिला रही हूँ, ये 1 टेबल स्पून है। इसको मिक्स कर लूँगी मैं। अभी ये एक मीडियम साइज की प्याज मैंने ली है, और तेल या घी हंस पे पसंद है, जितना भी आप डालना चाहें, जो घी लें तेल लें आपकी मर्जी है। इसमें मैं ये लहसुन डाल रही हूँ, उसके साथ ही सारे मसाले मैं डाल दूँगी जो मैंने बाउल मिक्स किए हैं। साथ में ये टमाटर और ये होले जो है ना, ये होले हम इसको पश्तो में डोडे कहते हैं, डोडे पंजाबी में भी कहते हैं। ये जब कच्चे होते हैं, हम लोग अभी सीज़न ज़रा गुजर रहा है तो थोड़े से पक गए हैं ये। अभी मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये इसको इसका पानी सूख जाए, और ये जो होले हैं ये भी थोड़े से गल जाएंगे, और टमाटर भी मेल्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं आगे से और जो मैंने करना है मैं करूँगी। ये आलू जो मैंने उबाल के रखे थे, ये तेल है 1 टेबल स्पून, इसमें मैं ये आलू डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। जब मैं चावल को दम दूँगी तो मैं फिर इसके ऊपर डाल के मैं इसको दम दूँगी चावल को। वो जो हरी मिर्चियाँ हमने डाली हैं पहले, ये हरी मिर्चियाँ अभी मैंने नहीं डाली, ये इतनी कड़वी नहीं है तो इस ये मिर्चों का इतना असर नहीं होगा। इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। आप क्या बना रही हैं? मैं वो होले नहीं होते जो हम लोग सर्दियों में खाते हैं, छील छील के और भून के ना, वो होले का पुलाव बना रही हूँ। इसके लिए मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। आप ये धनिया पुदीने लो, आपने काट दिया, चले ठीक है, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, फिर मैं दम जब चावलों को दूंगी उसके ऊपर डालूंगी। अभी मैंने जो टमाटर होले वगैरह सब किए थे ये फ्राई हो गए थे, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है,
ये जल रहा था, टमाटर थोड़े से पुलाव में नज़र आए तो अच्छा लगता है, उसका लुक बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें मैं चावल डाल रही हूँ, ये 300 ग्राम चावल हैं, जो एक पाव से ज़्यादा हैं चावल। इसके साथ ये हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ, हरी मिर्च इसलिए आखिर में डालते हैं कि इसकी अपनी एक खुशबू होती है। इसके साथ मैं इतना पानी डालूंगी कि ये इसका नमक मैं चख लेती हूँ। इसका नमक मैंने चख रही हूँ, मैं नमक बिल्कुल सही है। थोड़ा सा पानी मैं और डाल लेती हूँ, मैं देखती हूँ थोड़ा सा पानी इसके लिए और चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे होता है ना, जैसे यहाँ तक पानी हो, ज़्यादा ना हो। और आपको अपने चावल का पता होता है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं कि वो कितना पानी लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं ये गरम मसाला डाल रही हूँ, एक टीस्पून, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, ये डाल के इसको मैं पकने के लिए रख रही हूँ। जब इसका पानी सूख जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर ये तले हुए आलू डाल के और इसको मैं दम दे दूँगी। अब इसका पानी सूख गया है, इसमें हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए। ये चावल भी थोड़े सख्त हैं और टमाटर वगैरह देखे कितने अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन एंड लाल ना, लाल एंड हरे कलर के कितने अच्छे लग रहे हैं, रेड एंड ग्रीन। ये मैंने ये कर लिया। अब इसके ऊपर मैं ये जो आलू मैंने तले थे अभी मैं इसको दम दे रही हूँ। तो भी जिस मसाले के साथ हमने फ्राई किए हैं मसाले के साथ ही डालना है। अगर आलू कच्चे हैं तो आप इसके साथ भी डाल सकते हैं। इसमें चूंकि मैंने तेल बहुत कम डाला था तो इसके साथ ही मैं ये मक्खन भी डाल रही हूँ और इसको मैं अभी हल्की आंच पे दम दे रही हूँ। मुझे ज़रा नरम चावल पसंद है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको दम दे रही हूँ, फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। अभी पुलाव तैयार हो गया है, अभी मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये पुलाव को मैंने डिश आउट कर लिया है, बहुत ही टेस्टी पुलाव होता है, बहुत ही अच्छा होता है, ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें।